अब आता है असर्शन रीजन। अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। देखिए पहले मैं असर्शन समझा दूं। 11th क्या कह रहा है? करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, अ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर कब? ओनली व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो अक्रॉस दिस ए एंड बी। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज ओम्स लॉ कहता है ई आई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ई इन टू एल। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी करंट फ्लो करेगा, ओके ना? तो अ करंट फ्लोज ए कंडक्टर ओनली व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर, बिल्कुल सही है। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा है कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती अगर वो बैटरी से ना लगाओ, तभी तो उसमें करंट भी नहीं होता है। खैर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। ये हमारा असर्शन था विच वॉज ट्रू। लिख लेते हैं एज करंट इज प्रपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रपोर्शनल टू, ये यू कहें कि एम पोटेंशियल डिफरेंस, इसे आप काट दीजिए, आप छोटे में लिख लीजिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इन टू एल, हेंस दिस असर्शन इज ट्रू। तो लिंक बन रहा है करंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब आता है रीजन। मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जरूर जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना? हालांकि आंसर तो आपको सिर्फ ऑप्शन ही देना होता है, ऑप्शन देने थोड़ी ना बैठ जाऊंगा मैं, पेपर मेरा नहीं है ना। नो, रीजन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टोरियल देखें, माइनस का ई टॉप बाय एम, अभी वेक्टर है ना, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है। स्केलर फॉर्म में देखें तो वी टी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस यहां तो जैसा स्टेटमेंट लिखा है इन्वर्सली हो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस है, गलत है, इंक्रीजेस होना चाहिए ना। हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, दस द रीजन इज फॉल्स, इज फॉल्स। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? अपना ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज थर्ड। तो आपका जो आंसर है 11th का वो आएगा थर्ड ऑप्शन, ये आपका आंसर है, ठीक है?